श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के तोश में पहुंची है, वहां जाकर तफ्तीश कर रही है। तो जांच में पता चला है कि 6 अप्रैल को श्रद्धा और आफताब यहीं आए थे। पुलिस को सुराग मिले हैं कि आफताब के संबंध ड्रग्स तस्करों से थे। अब सवाल यह है कि क्या उस रात आफताब ने श्रद्धा का कत्ल ड्रग्स के नशे में कर दिया था। नए नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अब नया कनेक्शन ड्रग्स का सामने आया है, जिसको लेकर अब पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश के कसौल स्थित तोश में तफ्तीश चल रही है। ये वो इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले श्रद्धा और आफताब गए थे। ड्रग तस्करों से जुड़ा था आफताब। श्रद्धा मर्डर केस का ड्रग्स कनेक्शन। हिमाचल के तोश गांव पहुंची पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में बेहद सनसनीखेज मोड़ा गया है। ड्रग सिंडिकेट से आफताब का लिंक जुड़ रहा है। ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लिंक की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल के तोश गांव पहुंची है। ये गांव हिमाचल के कसौल के बॉर्डर पर स्थित है। हिमाचल के तोश में जांच के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को जब पता चला कि श्रद्धा और आफताब हिमाचल उत्तराखंड के दौरे पर गए थे, तो उसने जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान पता चला कि दोनों हिमाचल के तोश में कुछ दिन रुके थे। सब पे बात हुई थी और उनकी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी और वो यहाँ 6 अप्रैल को ठहरे थे सर। 6 अप्रैल को ठहरे तो 7 को वो ट्रैक करने ऊपर गए कहीं कुटला नाम की जगह पे, तो वहाँ पर कैंपिंग करी उन्होंने, तो 8 को वो निकल चुके थे नीचे को, तो उसके बाद उनका ज्यादा पता नहीं लगा। तो आज तक हमको ऐसा इसके बारे में कोई मालूम भी नहीं था। वो लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे, तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे, जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको, तो बाकी उनकी आईडी वगैरह है हमारे पास। तो दिल्ली पुलिस आपतोष का तिलिस्म तोड़ने में जुटी है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस सूत्रों से ये जानकारी सामने आई थी कि आफताब गांजे और चरस का शौकीन है। ड्रग्स लेने के अलावा आफताब क्या ड्रग्स की तस्करी से भी जुड़ा था, इसकी जांच दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में की है। आफताब के फोन से तोश के कई ड्रग तस्करों के नंबर दिल्ली पुलिस को मिले हैं। तोश हिमाचल का ऐसा गांव है जहां चरस बेहद आसानी से घर घर मिलती है। यहां पुलिस भी जाने से घबराती है, क्योंकि यहां के गांव वाले गेस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखते। इस वजह से ये नशे के शौकीनों की पसंदीदा जगह है। अब तक पुलिस को श्रद्धा के कत्ल में मोटिव यानी इरादे का पता नहीं चला है। उसके हवाले से ये बात सामने आई थी कि 18 मई को आफताब गांजे के नशे में था और इसी नशे में उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। अब ड्रग तस्करों से आफताब का लिंक जुड़ा तो मर्डर केस में नशे का कनेक्शन चौंकाने वाला मोड़ ला सकता है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।